मुझे तो लगता है कि वही हाल है, चोर चोर दोनों मुसेरे भाई। सारी पार्टियां एक भी हो जाएं, बीजेपी को लग छोड़े, तो तब भी भदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तो विनर है। अब दो और तीन नंबर की भी है कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर तो देगी बीजेपी ही। आज मिले कल मिले, देना बीजेपी नहीं है, और कौन सा यहाँ कोई कोई पार्टी ऐसी आएगी या कोई कोई भी आए, कौन दे सकता है? मुझे बोलो ना, देगी बीजेपी? हाँ देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती है, आज मिले या कल मिले। आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल पर, भदरवा टीवी पर और भी बहुत से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं डीडीसी काउंसलर भदरवा वेस्ट और जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान भी हैं भदरवा के, ठाकुर युधवीर साहब। हम इनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है भदरवा में और इनके काम को भी हम देखेंगे कि इन्होंने जो है क्या क्या किया और कैसी इनकी काउंसल चल रही है। तो ठाकुर साहब, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, तो बताइए सर कैसी काउंसिल चल रही है और क्या काम हो रहे हैं भदरवा में? शुक्रिया नासिर साहब, आप कल से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मैं थोड़ा बीमार था, दो चार दिन से जुकाम वगैरह कुछ लगा था, तो आज हमारी मुलाकात हुई तो आपसे मिलकर बहुत खुशी होती, क्योंकि आपका जो जो फॉलोअर है आपके और जो आपके पेज लाइक करते हैं बड़े दूर दूर से, कल भी शायद मुझे लगता है कल शाम को कुछ में देख रहा था अमेरिका से, जी अमेरिका से कोई चल रहा था वो का प्रोग्राम, तो आपने आपका पेज बहुत लोग लाइक भी करते हैं और अच्छा आप रिपोर्टिंग भी करते हो, तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि आप हर वक्त जब हम आपको बुलाते हैं या हमें जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल शाना बशाना होते हैं, और प्रेस वालों का एक दायित्व बनता है और एक कर्तव्य भी बनता है कि हर चीज को उसको उठाना जी। तो रही बात काउंसिल की, तो काउंसिल तो ठीक चल रही है, क्योंकि काउंसिल अभी तो काउंसिल का यही है कि जो काम हमारे चल रहे हैं उसको ही हम चेक कर रहे हैं, कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ खराब काम हो रहा है, कहाँ अच्छा मटीरियल लग रहा है, कहाँ खराब मटीरियल लग रहा है, तो उसी पर हमारा ज्यादा इस वक्त फोकस हो रहा है। बाकी जो हमारा अब मेरा अपना प्लान था उसमें 100% मेरा टेंडरिंग हो चुकी है और अलॉटमेंट भी होने वाली और काम भी हो रहे हैं, और बाकी जो सड़कों का काम है टेंडर हो रहे हैं, और जहां भी जो भी काम है जल शक्ति का वो भी काम होने जा रहे हैं, और जल शक्ति का तो दिसंबर 31 तक टारगेट है कि जल शक्ति का जितने प्रोजेक्ट हैं 31 दिसंबर तक उनको करना अनिवार्य है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हुक्मनामा आया और यहाँ एलजी साहब ने भी उस पर थोड़ा सा जोर डाला कि हर घर नल से जल, वो प्रोग्राम ही चल रहे हैं। अच्छा सर, ठाकुर साहब बताना चाहेंगे क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से काफी जो है क्लोज हैं उनके साथ कांटेक्ट भी, क्योंकि काम जो भी रूरल एरियाज में होते हैं तो वो आरडीडी से ही जो है मोस्टली होते हैं, तो आपने बताया कि जो इन्वॉल्वमेंट थी प्रशासन की, खासतौर पर जो हमारे डीसी साहब थे विशेष पाल महाजन जी, तो क्या लगता है आपको उनका कैसा जो है ये टेन्योर रहा, खासतौर अगर हम भदरवा की बात करें, भदरवा के लिए कैसा उनका जो है प्रयास या टेन्योर जो भी आप समझ सकते हैं कैसा रहा? देखें, इस वक्त तक काउंसिल बनने के बाद ये हमारे तीसरी विशेष पाल महाजन थी, ये तीसरे डीसी थे, और जब के आज दूसरे डीसी साहब आए हरविंदर सिंह, वो चौथे डीसी हैं, तो हमें सबके साथ काम करने का मौका मिला, और मैं जहाँ तक समझूंगा या समझ रहा हूँ या जो मैंने पीछे वाला जो हिस्ट्री अपनी देखी अजमाई, तो मुझे लगता है जो हमारे विशेष पाल महाजन डिप्टी के मिश्र डोड़ा थे उनका फोकस ज़्यादातर भदवा पर था और टूरिज्म पर था, और मुझे लगता है इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ आज की हमारे जो डीसी साहब थे उन्हें भदवा के लिए बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त काम किया, और उनका एक हफ्ते में तो भदवा टूर होता था, और ख़ासकर टूरिज्म के हवाले से उन्हें भदवा में जितना भी टूरिस्ट आया वो खुद भी अपने पेज पर डालते थे, अपने ट्वीट करते थे, दूर दूर से सैलानियों को यहाँ उन्हें कश्मीर से भी यहाँ बुलाया, लोगों को बाहर से बुलाया, एक दो फंक्शन किए, मेले लगाए, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी थोड़ी सी वो कमी जो महसूस हो रही है। नए डीसी साहब से मेरी ये अर्ज है कि जैसे पुराने डीसी साहब ने यहाँ फोकस किया टूरिज्म पर, तो वो भी करें ताकि यहाँ भदवा में और भी टूरिस्ट बढ़ता रहे। चलिए ठीक, तो ये तो रही हमारे विशेष पाल महाजन जो यहाँ से आउटगोइंग डीसी थे और नए डीसी जो आए उनसे भी उम्मीद है कि
वो जो है वो फोकस रखेंगे, जिस जिस तरह से पुराने डीसी ने रखा था वो भी रखेंगे। चलिए युद्ध जी, अब हमें बताएं, आप सियासत की तरह आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में कुछ घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बजरवा में आए दिनों कुछ हफ्ते या महीने या 2 महीने के बाद एक घमासान शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली जो कंट्रोवर्सीज हुई, आज़ाद साहब का यहाँ पर टूर था, फिर एनसी ने जो है कुछ बयान दिए, फिर सरोड़ी साहब ने कुछ बयान दिए, फिर जो है वो ऊपर से जो लड़ाई शुरू हुई तो नीचे नीचे आ रही है, अब वर्कर्स भी आपस में जो एक दूसरे को बयान जो कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या सियासत में जो है, सियासत में तो चलता तो सब कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि अब ये उचित समय है इस तरह की बयानबाजी करने का या इस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कल और परसों मैंने देखा सोशल मीडिया में जो दोनों तरफ से एक घमासान सा मचा हुआ है। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, ना अभी कोई पंचायत के इलेक्शन है, ना अभी कोई म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है, ना अभी कोई असेंबली के इलेक्शन है। अभी जो इलेक्शन आने वाला है वह है पार्लियामेंट का, मई और जून में। तो जैसे वो बयान दे रहे हैं, जैसे कि कल ही इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे वो एक दूसरे के सर फाड़ने पर आमादा हैं। सियासत ये कभी नहीं बोलती कि आप अपने जज्बात में आप ये करो वो करो। मुझे तो लगता है कि वही हालत, चोर चोर दोनों मुसेरे भाई। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है, खासकर एज ए बीजेपी प्रधान, हम तो काम से काम वास्ता रखते हैं, नाम करते हैं। एक जो हम देख रहे हैं कि डीपीएपी जो है एनसी को ये इल्जाम लगाती है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, एनसी बोलती है डीपीएपी आप बीजेपी की टीम हो, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप सभी एक हो, चाहे आप हैं एनसी हैं डीपीएपी है, क्योंकि इल्जाम तो यही लग रहे हैं कि ये वो ये बोलता है तुम बीजेपी वाले हो, वो बोलता है वो बीजेपी वाले हैं, तो है क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चल रहा है कि आपस में लड़ते रहो और बीजेपी आराम से अपनी सीट, हर कोई सीट यहाँ से निकाल के ले जाए? देखें, मेरा ये मानना है कि अगर ये एक भी हो जाएं, सारी पार्टियां एक भी हो जाएं, बीजेपी को लग छोड़े, तो तब भी भदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे XML दिलीप सिंह परिहार जी काम करते हैं, ग्राउंड पर ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, हमारे जो वर्कर हैं मंडल से लेकर बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, मंडल प्रधान तक, पूरे स्टेट तक जो काम करने का बीजेपी का तरीका है, वो इन उलझों में जरा कमी फंसते हैं कंट्रोवर्शियल बयान में। क्योंकि हम भी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, लेकिन मेरा यह है कि मैं जिस पार्टी में काम करता हूं अपने दिल और जान से काम करता हूं, अपना दिन और रात नहीं देखता हूं, और मेरा यही मानना है कि बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है भदवा में, और चाहे एक भी हो जाए तो बीजेपी यहाँ से हारने वाली नहीं है। और मुझे लगता है जो भी हमारा कैंडिडेट फिलहाल हमारे दिलीप सिंह परिहारी होगा, अगर उसके अलावा कोई भी होगा ABC, तो तब भी ये बीजेपी की सीट है। हम इनको लड़ने दो या कुछ करो, हम इनको उसमें जाने वाले नहीं। कहीं ना कहीं जो है जो बड़े थिंक टैंक होते हैं जो आगे नहीं आते, जो अपनी जगह ये बात करते हैं बदरा कल, वो तो यही कहते हैं चलो जी एनसीपी कुछ वोट काटेगी, डीपीएपी भी कुछ वोट काटेगी, दूसरी पार्टी भी काटेगी, तो बीजेपी जो है आराम से निकल जाएगी, क्या कहेंगे? ये उनका सोचना है, हम तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ना तो वो कभी बीजेपी से मिले, ना हम उनके साथ मिले, अंदर की क्या उनकी गेम है कोई पता नहीं। लेकिन ये मैं मानकर चलता हूँ कि मुझे ये लगता है कि आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, ये सोच रहे होंगे कि नंबर दो और नंबर तीन इनकी पार्टी कौन बनेगी, यही इनको फाइट लगी इस वक्त। अच्छा, क्योंकि बीजेपी तो विनर है, अब दो और तीन नंबर की भी है कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी निकल जाएगी, लेकिन आपको याद होगा आपने भी बड़े बयान दिए, आपके जो है दिलीप साहब जो उन्होंने भी बड़े बयान दिए, आपने भदरवा में एक तरफ से जो है रायता बहुत फैलाया, उसका मतलब यह है कि आपने जो है पहले 2014 से आप डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हो, वो भी एक उस पर भी एक सवाल या निशान अभी तक है कि कहाँ है। आपने जो है टनल का बोला, आपने अभी 4 लाइन का बोला, एक जमाने अभी सर्दियां आएगी, अब तो बीजेपी ये भी बोलेगी कि ट्रांसमिशन लाइन जो है खिलौनी से पोल लगने वाले हैं, क्योंकि पिछले सर्दियों में आपके ऐसे बयान आए थे, अब गर्मियों में यहाँ पे बिजली ठीक चल रही थी, अब जो बिजली क्राइसिस होने वाले हैं, आप ये बयान जो है वो लाजमी है, देंगे आप भी देंगे, हर पार्टी देगी। उसके बाद जो है गंडोला का जो है आप बोल रहे थे कि 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका काम भी शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ आपने बोला है, आपकी पार्टी ने बहुत सब कुछ बोला है, तो मान लीजिए कि अगर जो है ये चीजें बनती हैं तो मुझे लगता है बीजेपी को हराएगी,
लेकिन अभी तक ये एक कल्पना है भद्रवाह के लिए, क्यों नहीं ये काम, क्यों नहीं जो है आ रहे हैं ग्राउंड पे, क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बोला कि हमारा जो पार्टी का एजेंडा है और हमारा भी एजेंडा है पार्टी का कि भद्रवाह के लिए डिस्ट्रिक्ट का जो ख्वाब देखते हैं या लोग देखते हैं, हम देखते हैं, वो भी हमारा पार्टी का एजेंडा है। दूसरी बात है टावर लाइन खलेनी भद्रवाह, वो तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो परसु प्रसाद साहब आए थे उनसे वहाँ हाल में मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ये जो काम है ये पाइपलाइन में ये जल्दी होने वाला, कुछ फंड्स की हमें दिक्कत है, जब फंड्स आएंगे तो ये काम आपका हो जाएगा, ये टावर लाइन वाला है। उसके बाद छतर का सारी ये जो अपना कार केबल का है, कार केबल का आपने देखा होगा क्योंकि जो हमारे गडकरी जो मिश्र है उनका काम करने का एक और तरीका है, उन्होंने भी डेडलाइन दी थी कि नवंबर तक इसका जो प्रोसेस है टेंडरिंग शेंडरिंग का हो जाएगा, टेंडरिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं अभी नवंबर तो लगा ही है, अब देखते हैं नवंबर 30 तक क्या होता है। उसके बाद छत्रकला टनल है उसका उसमें भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मेरा मैं ये देख रहा हूँ ये हजारों करोड़ों अरबों के ये प्रोजेक्ट है, ना कि ये सैकड़ों के प्रोजेक्ट है। तो देगी बीजेपी ही, आज मिले कल मिले, देना बीजेपी नहीं है, और कौन सा यहाँ कोई कोई पार्टी ऐसी आएगी या कोई कोई भी आए कौन दे सकता, मुझे बोलो ना, देगी बीजेपी? हाँ देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती है, आज मिले या कल मिले। सर एक बात है ना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने गिनवाए, लोगों में जो है ख्वाब आपने दिखाए, क्योंकि जैसे मैं हर पार्टी को क्रिटिसाइज करता हूँ, हर पार्टी जो काम करती है उसकी तारीफ करता हूँ, जो आप ख्वाब दिखा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि देगी बीजेपी, आएगी बीजेपी तो देगी बीजेपी, इसी तरह एक समय में गुलामी आजाद साहब का दौर था, उस वक्त भी जो है ऐसी बातें चल रही थी, फिर 8 लाइन रोड बनेगी, यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, हुआ कुछ नहीं, एक दो काम हुए हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सरकार में तो एक भी नहीं हुआ जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर एक भी कोई काम शुरू होता तो उम्मीद जगती है कि नहीं भाई एक तो हो गया अभी, या तो फिर आपने फिर इलेक्शन का मुद्दा रखा है, क्योंकि आगे पार्लियामेंट के इलेक्शन है, असेंबली के होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप इन्हीं चीजों को दोहराएंगे। नहीं आप कहीं ना कहीं आप भी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक काम ना हो तब तक लोगों का हम विश्वास नहीं जीत सकते हैं, काम होंगे, लेकिन अब ये है कि क्योंकि असेंबली डिसॉल्व है जम्मू कश्मीर की, उसके बाद एलजी प्रशासन लगा हुआ है, वहाँ भी कहीं दिक्कतें आती हैं टेंडर प्रोसेस में, सेंटर से फंड्स का वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सबसे पहले मैं बोलूँ ये भद्रवाह की जितनी रोड है, मैं भद्रवाह बाला की बात करना चाहूँगा, इतनी बड़ी रोडें थी, कच्ची थी सब बिल्कुल, लेकिन उसको ब्लैक टॉप करते हजारों करोड़ रुपए उस पर लग गए, गांव वाले आराम से सिटी आ सकते हैं, सिटी से गांव जा सकते हैं, पहला तो वही हमारा काम हुआ। जल शक्ति का हजारों करोड़ रुपए का टेंडर चल रहे हैं इस वक्त, कहीं भी आप जाओ हजारों करोड़ों के टेंडर लग रहे हैं और पाइपों के ढेर पड़े हुए हैं। उसके साथ ही आपको जैसे मोदी जी ने परसों घोषणा की है कि 5 साल के राशन फ्री देंगे हम, ये कोई मुझे एक याद आती है, अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे वो वक्त याद आता है कि सोनिया गांधी और आजाद साहब हाई सेकेंडरी स्कूल भद्रवाह में आए थे, आजाद साहब ने सोनिया गांधी को हाई सेकेंडरी में जब उतरी तो एक कांग्रेस की बहुत बड़ी लाइन लगी थी, तो कांग्रेस ने डिमांड की थी हमें 6 महीने का राशन चाहिए फ्री। तो आज मुझे हंसी आती है कि यार हमारी सोच कितनी घटिया थी कि हम एक सोनिया गांधी से 6 महीने का राशन मांग रहे हैं फ्री, यहाँ तो 5 साल के लिए मोदी ने और पहले कर दे 5 साल मैं फ्री राशन दूंगा। तो मैं ये बोलने जा रहा हूं कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, खासकर हम पर यह है कि भद्रवाह बहुत पढ़ा लिखा है, इसको केरला बोला जाता है, ये इसको कश्मीर बोला जाता है, सबको बड़ी सोच रखनी है, और आप देखते रहे हम ही करेंगे, करने वाला कोई नहीं है, आज ने किया कल किया लेकिन होगा जरूर, हमारी गवर्नमेंट में होगा, बीजेपी करेगी आने वाला टाइम। चले हमारा ये क्या ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है ऐसा कुछ होगा जो आपने जो ख्वाब दिखाए हैं भद्रवाह के लोगों, क्योंकि कई बार जो है हमने देखा कि कुछ भी प्रोजेक्ट आता था आप लोगों ने पटाखे छिड़ाके फोड़ दिए, जश्न भी मनाया, लेकिन प्रश्न तो बनता है चाहे आपके जो है पूर्व MLA हैं दिलीप परिहार साहब, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, उनसे हमने सवाल भी पूछे कब हो रहा है,
वो भी ऐसे जैसे बयान आप दे रहे हैं कि ये प्रोसेस से चलते चलेगा, जब हम आएंगे तभी ये होगा, तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले पहले ये होगा कि या फिर ये चुनावी मुद्दा होगा? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ काम होंगे, चाहे वो फोर लाइन का मसला है उसका काम शुरू होगा, और कहीं ना कहीं आपको कार केबल का भी वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये दो जो काम है ये जल्दी शुरू होंगे, क्योंकि आप छत्रगढ़ का जो टर्न है वो तो अब मई के बाद ही कहीं, अब बर्फ पड़ने वाली बजवा में वो तो अभी मई के बाद ही में उसको सोचा जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, एज ए भद्रवाही, पहले हम भद्रवाही हैं, उसके बाद हम बीजेपी हैं, उसके बाद DDC हैं, उसके क्यों हम भद्रवाही हैं, क्योंकि हमें भद्रवाह में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सबका फर्ज है, क्योंकि मेरा नहीं है, सबका फर्ज है कि कैसे इसको दूर किया जाए। एक संघ आपस में जितनी पार्टियां हैं, ये पार्टी पूर्ति से हटकर हमें भद्रवाह के लिए काम करना है सबको। चलिए आखिरी सवाल में ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर लीडर की, हर अहदेदार की, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है। आप DDC काउंसलर हैं भद्रवाह वेस्ट के, हम आपकी काउंसिल की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी जो है जुरिस्डिक्शन है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपने ऐसे काम किए हैं कि लोग आपको फिर से ये जो है सामने लाएंगे? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिलेटेड हम बात करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि है आपने इतना काम किया है कि लोग आपको फिर से जो है जिता कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाएंगे? देखिए नासिर साहब, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इलेक्शन कब होते हैं, 6 महीने में होते हैं, साल में पूरे टाइम में होते हैं, वो तो हुकूमत देखेगी ऊपर से। लेकिन हम ये, मैं ये बोलना चाहता हूँ सबको, और जो मैंने काम किए हैं, लोगों से मेरा मिलना है, चाहे मुझे टिकट मिले चाहे किसी को मिले, क्योंकि मुझे मिलेगी ठीक है, दूसरे को किसी भाई को मिलेगी तो कम से कम गाड़ी तो मुझे या पार्टी को खानी पड़ेगी ना। हम इसलिए हर वक्त लोगों से जुड़े रहते हैं ताकि जो वोट बैंक है हमारा वो बढ़ता रहे, कहीं कम ना रहे। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे मैं खड़ा हो जाऊं या मेरा कोई दूसरा साथी खड़ा होगा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भारी लीड से जीतेगा। पहले हम अनजान लोग थे, हमें टापोग्राफी का पता नहीं था, हमें वो लोगों का पता, अब समय सब कुछ पता चला है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ में क्या देना है, क्या किससे कौन से काम लेने हैं, और कैसे हमने लोगों को मोटिवेट करना अपने हिसाब से, यही मेरा आपसे बोलना है। एक बहुत बात कहूँगा, क्योंकि हमने जितने भी काउंसलर हैं जिला डोडा के, हमने जो है बहुत सारे ऐसे भी जो बड़े जज्बाती जो होते हैं, बयान देते हैं, लेकिन आपको हमने देखा है कि आप एक मैच्योर किस्म के जो है काउंसलर हैं, चाहे बात करने का तरीका हो, हाँ जो है उंगली हर किसी पे उठती है, चाहे अगर कहीं आप कहीं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कभी आप नाचते गाते भी हैं, वो भी आप चढ़ा देते हैं, इसका कुछ लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि आप जो कुछ छुपाते नहीं हैं, जो आप हैं वही आप जो लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, मन में कुछ बात नहीं रखते हैं। तो क्या लगता है आपको जो है, जो आपकी इमेज बनी है, एक तरफ काम भी करते हैं, दूसरी तरफ से आप पे जो है इल्जाम लगे थे, ठाकुर युधवीर सिंह जो है नाच रहा था कहीं रोड में या कहीं पर भी नाच रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे। देखे, मुझे सियासत में 28 साल हो गए, क्योंकि 28 साल एक इंसान का जो जवानी का जो है, मैंने पूरा वक्त जो है पूरा वक्त अपने पार्टियों को दिया हुआ है, और मैं नेक नीति से चलता हूँ। सीधी बात, नेक नीति मेरा सबसे पहला धर्म होता है, नेक नीति सब इंसान को, नेक नीति से अगर चलोगे तो ऊपर वाला भी आपको फायदा देगा। और मेरा यही कि अब मैं यही बोलना चाहूंगा, डांस करना या डांस में मस्त होना, ये भी इंसान की एक ख्वाहिश होती है, क्योंकि अंदर उसके जीन्स होते हैं, ये जब इंसान खुश होता है तो वो डांस करता ही है, और क्या। जो जो इंसान खुश दिल होता है या जिसके इंसान का जो हौसला बुलंद है, उसे नाचना तो है ही है, मुर्दे कहाँ डांस करेंगे, इंसान ही तो डांस करेंगे जो इंसान होते हैं डांस करने वाले। तो मैं यही बोलूंगा सबको कि खुश रहो, पता नहीं कब टाटा फिश हो जाए, जिंदगी कोई भरोसा नहीं, इसलिए कोई भरोसा नहीं जैसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि एज फैक्टर जो हमारी इस वक्त 60 से 70 के बीच में डगमगा रही है सबकी, कितना जीना क्या करना है, किसी को टारगेट करना, किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना, किसी को बुरा बोलना, इससे बचो। मैं सबको राय देता हूँ एज ए ब्रदर, इसलिए खुश रहो और भद्रवाह के लिए सब काम करो,
और हमारा बजवा आगे जाए। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ठाकुर युधवीर सिंह, जब हमने बात की, और कुछ सवाल जवाब थे, क्या माहौल है आज सियासत का और किस तरह से जो है भदरवाह में जो है घमासान चला है, इससे जो बचना चाहिए। हाँ, जो जो है जरूर है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, अगर आपको सच में भदरवाह के साथ मोहब्बत है, तो भदरवाह के इश्यूज उठाइए, मसले उठाइए, ना कि एक दूसरे पर जो है कीचड़ उछाले। जो ये जो है इसे जो है सोशल मीडिया पर आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं, खुद खुद ब खुद जो है आप पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। देहरा देहरा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल, भदरवाह टीवी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।